स्वर स्वामी चैनल के माध्यम से मैं आपके संपर्क में आ रहा हूँ। लास्ट दो तीन एपिसोड में मैं आपसे संपर्क में हूँ। मेरी इच्छा यही है कि ये जो अपनी भारतीय संस्कृति की कला है संगीत, इसका प्रचार प्रसार करने के हेतु जो भी सच्चाई है वो आपके सामने रखूं। क्लासेस महाविद्यालय स्कूलों में म्यूजिक को एज एकेडमिक तौर पे जो शुरुआत की हुई है, उससे शास्त्र का प्रचार प्रसार तो हो रहा है पर आर्टिस्ट नहीं बन पा रहे हैं। और मेरी हर एपिसोड में ये आपसे गुजारिश रहती है कि ख्यालों का अभ्यास ठीक है, छोटा ख्याल बड़ा ख्याल, याद करने से गाने भी याद हो जाते हैं, उस टाइप याद नहीं करना है। जो भातखंडे जी थे उन्होंने हमारे संगीत को हमारे सामने लाने के लिए, हमें सीखना चाहिए इसलिए बहुत कष्ट किए, बहुत कष्ट उठाए, सब दिमाग में रख के उनसे जो भी बन पड़ा वो लिख के आपके सामने किताबों के माध्यम से वो आते रहे। उनका सपना ये था कि यह किताब के माध्यम से आपको जो उन्होंने लिख के दिया है यह आप उसको फिर बाहर निकाल के उसको एक प्रेजेंटर के रूप में आप प्रस्तुत करें और संस्कृति को जिंदा रखें। हुआ उल्टा। क्या हुआ? हम लोग उन्होंने जैसा लिख दिया उसी हिसाब से बच्चों को एज ए ट्रेडिशनल पढ़ाते रहे, नया खोजने का कोई संबंध नहीं था। मैं देखता हूं पिछले 25-30 सालों से वही बंदिश चल रही है, वही बंदिश बाप भी पढ़ता है, बेटा भी पढ़ता है, उसका भी बेटा पढ़ता है। बंदिश नहीं है क्या? बंदिश बनाना नहीं चाहिए? नहीं, सोचना नहीं है। हम सीखते किस लिए है, क्या कर रहे हैं? बुरा लगता है, इसलिए बुरा लगता है, संगीत सीखने वालों की संख्या कम नहीं है लेकिन कलाकार क्यों नहीं तैयार हो पा रहे, इसमें सोचने की जरूरत है। नहीं होते हैं इसलिए बुरा लगता है। और मेरा स्वर स्वामी चैनल माध्यम के यूट्यूब चैनल से यही मेरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए जैसा भी मुझे जमता है, जैसा ही मुझे ज्ञात हुआ है मेरे गुरु से उस्ताद मुबारक अली खान साहब से, मैं आपके सामने रखूंगा।